देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, तो राम मंदिर या बावरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं तंदर निराली देश प्रेम और अश्विमान के उपलक्ष पर अपने कुछ विचार आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, फिर वह वर्षाली बनकर अपने देश को आजाद कर लाई। प्राचीन मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंसे हुए थे, तब रंदे बसंती चोला की एक ही आवाज पर तोलों के तोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासक की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। उसके बाद 63, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनी हालों की लंगूटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की ही कई बोटियां चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी चला गया है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। भले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को पत्र लिखा कर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़ी ही चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़ी ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। किंतु मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, तो वो ही सबसे अच्छा देशभक्त है। क्योंकि मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की लिपि को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहते हैं कि हाथ में साल में 2 बार तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक के छाव में नंगे पाव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालयों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालयों को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। किंतु एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट में छोड़ आते हैं। करा उठती है वह देशभक्ति कि मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइफ बढ़ाने में लगे होते हैं। आज के दौर में वही युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने राष्ट्र की, अपने समाज की एकताओं को बंधे रखने की, वही युवा अचार भाई 4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के घसर माता से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का ने आज का भविष्य तबाह कर रखा है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई हरकाते हैं, लड़कों से बात करता देख जो भाई हरकाते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस कर सुनाते हैं। और हाँ, मैं बता दूं कि महिला सुरक्षा के मामले में भी हम 4th नंबर पर आते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग,
पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, भूखे नंगे तरपते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तरपते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए दान नहीं, और अगर दान देने की इतनी इच्छुक है तो जीते जी रक्त दान दीजिए, और मरने के बाद अपना अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही है सच्ची देशभक्ति। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। मेरे विचारों में राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब देश में महिलाओं की पूजा नहीं इज्जत की जाएगी। मेरे विचारों में राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में केवल सरकार ही नहीं सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बताएगा, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। आई बींग एन इंडियन, आई बींग अ स्टूडेंट, आई बींग अ सिंपल डॉटर ऑफ दिस मदर एंड बी प्राउड टू बी एन इंडियन। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर खड़े हर उस जवान को, इस देश की पुलिस को, इस देश के किसान को, और देश के हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी पूरी मेहनत और पूरी लगान से करते हैं। और आज इस जगह पर भारत देश की बेटी मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ यह कहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब हम सब, मैं आप हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्र की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने की, हमारे वतन को आगे ले जाने की, हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने की। तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था महान है महान रहेगा, मेरा हिंदुस्तान महान था महान है महान रहेगा, होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। वंदे मातरम।